प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि तीन डाइस आपको दिया गया है और इस तीन डाइस में आपको बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा और इस वाट के जगह पे क्या होगा उसका सोल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। और आप ध्यान से देखते रहेंगे तो सीखेंगे, वीडियो को स्किप करके बढ़ा के क्वेश्चन की कंसेप्ट को आप नहीं समझ पाएंगे। और क्वेश्चन की कंसेप्ट को जब आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करते हैं जरूर समझ जाइएगा। तो जरा ध्यान दीजिए कि तीनों डाइस सेम है, बस रोटेट करके रखा गया, इसको रोटेट करके इस तरीका से रख दिया, इसको रोटेट करके इस तरीका से रख दिया, यानी तीनों सेम डाइस है। तो बताना है कि इसके जगह पे क्या आएगा। तो हम इसको आपको दो तरीके से बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। आपकी इच्छा किस मेथड से ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और एग्जाम में तो शॉर्ट तरीका से ही बनाना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आइए पहले हम इसको क्या करते हैं, इस डाइस का हमको आंसर निकालना, यानी व्हाट के जगह पे क्या होगा, यानी इस डाइस को हम इस डाइस के जैसा हूबहू बनाने की कोशिश करेंगे, हूबहू सेम इस तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे और पता चल जाएगा कि इसकी जगह पे क्या आएगा। सेम इस डाइस को हम यहाँ पे लिखते हैं, 1 2 3। आप जरा ध्यान देंगे, पहले हम अपोजिट निकाल लेते हैं, कॉमन। जब वन सरफेस कॉमन रहता है तो उसके क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 2 1 3 4 5, ठीक है। तो दोस्तों कोई आ गया था तो उसी से मिलने गए थे, तो हमने देखा कि एक का अपोजिट 5 है, दो का अपोजिट 4 है, तो जो बच गया 3, यानी 3 का अपोजिट 3 नहीं है, 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो 2 के पीछे क्या होगा, 4 होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, यानी 1 के नीचे 5 होगा, और 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। अब आपको इसको रोटेट करके इसको सेम हू बहु बनाना है, तो हू बहु बनाने के लिए ये 3 को ऊपर लाना होगा, तो इसको ऐसे रोटेट करना होगा, यानी ऐसे रोटेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे है, अगर ऐसे डाइस है तो ऐसे रोटेट करना होगा, तो 3 ऊपर जाएगा। तो जरा ध्यान देंगे, 3 अगर ऊपर जाएगा तो 1 कहाँ आएगा, अगर 3 ऊपर जाएगा तो 1 इधर आएगा, ठीक है। 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा और 4 में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि सेम रहेगा, और 5 में चेंजिंग आएगा, यानी 5 यहाँ आएगा और 6 जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप जरूर समझे होंगे कि क्या होगा, 6 होगा, उसके बाद 4 होगा, 3 होगा, 1 होगा। अब आपको इस तरीका से, यानी 3 तो ऊपर आ गया, अब 4 यहाँ चाहिए, तो 4 यहाँ चाहिए, तो एक बार रोटेट करेंगे तो 4 यहाँ आएगा, फिर एक बार रोटेट करेंगे तो 4 यहाँ आएगा। जरा सा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। 3 तो ऊपर ही रहेगा, 6 नीचे ही रहेगा, अब ऐसे रोटेट करते हैं, यानी 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, और 2 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रोटेट करते हैं, 4 यहाँ आएगा, यानी 3 तो वैसा ही रहेगा, 6 वैसा ही रहेगा, चूंकि रोटेट ऐसे कर रहे हैं, ऊपर वाले बटम और टॉप सेम रहेगा। अब ये 1 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, और 2 यहाँ आएगा, ठीक, 2 यहाँ आएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर समझ गए होंगे। सेम हूबहू इस तरीका से हमने बना दिया। तो इसका वो 3 की जगह 3 है, 4 की जगह पे 4 है, तो व्हाट की जगह पे क्या होगा? तो व्हाट की जगह पे होगा 1। यही मेरा आंसर होगा 1। ठीक है, यही मेरा आंसर क्या होगा 1। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अब इसको हम दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे, सेकेंड मेथड। तो हमने देखा यहां पे 1 का अपोजिट कितना था, तो 2 का अपोजिट था 4, 1 का अपोजिट था 5 और 3 का अपोजिट था 6। जरा ध्यान देंगे, कॉमन पार्ट को देखेंगे, यानी 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है, तो 3 2 1, यानी 3 2 1 क्लॉकवाइज लिए, ये भी देखिए क्लॉकवाइज है। ठीक, अब 2 के अपोजिट में क्या है, 4 है, 2 के अपोजिट में क्या है, 4 है, फिर 1 के अपोजिट में 5 है, 3 के अपोजिट में 6 है। अब जरा ध्यान देंगे, ये 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1, ये कंसेप्ट तो हम आपको समझा ही चुके हैं। ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5। अब 3 4 4, यानी एंटी क्लॉक बाई जाइए, आप एंटी क्लॉक बाई जाइए, 3 4 वाट 3 3 4 वाट क्या होगा, 1, या आप क्लॉक बाई जाइए 3 वाट 4, 3 वाट 4, 3 वाट 4, 3 वाट 4 क्या होगा, 1 होगा। यानी हर हालत में वाट के जगह पे कितना आया। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से इस तरीका से आप बनाएंगे तो टाइम में काफी बचत आएगा। और उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए तो यहीं पे हमारा डाइस चैप्टर कंप्लीट होता है, और फिर हम लेके आएंगे इसका प्रैक्टिस सेट, अलग अलग क्वेश्चन को, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में को एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम इसी सभी थ्योरी पर सॉल्व करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन ये सभी थ्योरी से बनेगा। और अभी तक आप सारे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को नहीं देखा है तो सारे वीडियो को देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन को, प्रैक्टिस में जरूर पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।